नेक्स्ट स्टेप डिजाइन फाइनल अब इसके बाद जो है तो एक थोड़ी सी फिनिशिंग करेंगे हम, ये ब्रश पानी से ताकि ये जो मूर्ति है थोड़ी सी फिनिशिंग में दिखे। थोड़ा सा पानी में ब्रश डुबोकर जस्ट ऐसे हम कलर करते हैं किसी भी पेंटिंग को, इसी तरह से थोड़ा सा इसको फाइनल टच देना है। इसको पानी से हम फिनिश करेंगे, मूर्ति जो है फिनिशिंग में दिखेगी अच्छे से। ठीक है, ये हो गई हमारी इको फ्रेंडली मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति। हमारा योगदान बहुत ज़रूरी है मित्रों, हमारी पृथ्वी को, हमारी धरती माता को बचाने के लिए और हमारी नदियों का पानी प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें इसी तरीके से इको फ्रेंडली गणेश जी अपने घर में विराजमान करने चाहिए। ये दांत निकल गए थे और जब ये सूख जाए या फिर तो इसको हम इसके गणपति के आईज बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोग ये गणपति करेंगे। धन्यवाद।